हेलो एंड वेलकम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मैग्नेटिक डिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इज अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जिसका मतलब है इफ दिस इज द मेमोरी सेगमेंट और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं जिनमें से कहीं पे डेटा स्टोर है, और अगर इस पर्टिकुलर डेटा को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं इस डेटा को डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डेटा के एड्रेस से एक्सेस कर सकती हूँ। दिस इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी, जिसका मतलब है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर सकते हैं, बट बिकॉज ये सेकेंडरी मेमोरी है ये रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। और यहाँ पर रैम के मुकाबले हमारा डेटा एक्सेस रेट विल बी ऑल्सो स्लोअर। यहाँ पर ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है बट लेस एक्सपेंसिव होगा और डेटा ट्रांसफर रेट विल बी स्लो, बट हाँ यहाँ पर मॉडिफिकेशन डिलीशन अपडेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। मैग्नेटिक डिस्क इज सर्कुलर इन शेप, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक्स क्या है, मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो आपके डिस्क में होंगे इनको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। फॉर एग्जांपल दिस ए, ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है दिस इज अ ट्रैक। जितने ज्यादा ट्रैक्स होंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हम इस डिस्क में स्टोर कर सकेंगे। इन ट्रैक्स को हम लोग सेक्टर्स, जैसे आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, मल्टीपल सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस ब्लू सेगमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज बी, ये हमारा एक सेक्टर है। सेक्टर्स के बाद हम डेटा को नंबर ऑफ सेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ब्लू ग्रीन सेगमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स, एक ट्रैक के मल्टीपल सेक्टर्स को आपने कंबाइन करके डी, यानी कि आपने इसको कहा है क्लस्टर। नाउ अगर हम इस डिस्क को थोड़ा सा जूम करें तो हमें क्या दिखेंगे, छोटे छोटे स्पॉट्स। ये स्पॉट्स जो होते हैं ये मैग्नेटिक स्पॉट्स होते हैं, या तो ये मैग्नेटाइज होते हैं या डीमैग्नेटाइज होते हैं। अगर ये ब्लैक है आपको जैसे दिख पा रहा है तो ये डीमैग्नेटाइज है, यानी कि यहाँ पे डेटा नहीं है, विच मीन्स जीरो। अगर आपने यहाँ पे डेटा कहीं स्टोर किया है जो आपको ब्लू से दिख पा रहा होगा, विच मीन्स दिस पोर्शन इज मैग्नेटाइज विच इज रिप्रेजेंटेड एज वन। तो चार्जेस के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, वंस एंड जीरोस। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं हमारे मैग्नेटिक डिस्क का। ये जो गोल प्लेटर आपको दिख रहा है, जिसको हमने प्लेटर कहा है, इट इज अ सिंपल प्लेट जिसके ऊपर आप डिस्क प्लेस करते हैं। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर द सर्कल, ये एक रॉड है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल। ये स्पिंडल रोटेट होता है जिसकी वजह से ये प्लेटर रोटेट होता है और प्लेटर पे रखा हुआ डिस्क रोटेट होता है। दिस इज एक्चुएटर जिसकी वजह से एक्चुअली हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। इसके साथ एक आर्म जुड़ी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुएटर आर्म, जिसका एक पॉइंटिंग हेड होता है। इस हेड से ही हम स्पॉट्स को रीड या राइट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क में एक से ज़्यादा डिस्क अवेलेबल है तो उस केस में हर डिस्क के साथ उसका अपना एक एक्चुएटर आर्म होगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिस्क, तो इसके साथ अपना एक एक्चुएटर आर्म है। इफ दिस इज अ डिस्क, इसके साथ अपना एक एक्चुएटर आर्म है, जिसके वजह से हम एक साथ रीड या राइट करने में केपेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन समझने के बाद हम वर्किंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिस इज अ मैग्नेटिक डिस्क, इसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल की एक कोटिंग करते हैं। इस कोटिंग के वजह से हम डेटा को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में केपेबल होते हैं। अगर यहाँ पे स्पॉट्स मैग्नेटाइज्ड हैं देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस या फिर वन, और डीमैग्नेटाइज हैं देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव या फिर जीरो। तो अगर मुझे राइट करना है डेटा तो क्या करना होगा, दिस इज द डिस्क जो कि एक यूनि डायरेक्शन पर मैग्नेटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड। और अगर मैं चाहती हूँ कि डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होना है, एब्सेंस ऑफ डेटा, तो मुझे करना क्या होगा, हम लोग यहाँ पे डेटा को रिपेल कराएंगे। रिपेल कराने के लिए हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेट में यहाँ पे नॉर्थ प्लेस करेंगे। अब बोथ पोल्स आर नॉर्थ विच मीन्स द डेटा विल बी रिपेल्ड। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मीन्स द डेटा इज नॉट प्रेजेंट। इफ इन केस अगर मुझे डेटा प्रेजेंट कराना है तो हम क्या करेंगे, दिस इज नॉट मैग्नेटाइज्ड और हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेट से साउथ पोल एग्जिस्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से डेटा विल बी अट्रैक्टेड, विच मीन्स कि यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट करता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग। एक्चुएटर आर्म धीरे धीरे करके हर स्पॉट्स पे मूव करेगी। जहाँ आप डेटा राइट कराना चाहते हैं वहाँ आप ऑपोजिट पोल रखेंगे, जहाँ डेटा नहीं राइट कराना चाहते हैं वहाँ आप सिमिलर पोल्स रखेंगे। दिस इज राइटिंग प्रोसीजर। रीडिंग का प्रोसीजर क्या है, सेम एक्चुएटर आर्म आपकी स्टार्टिंग से फिर से मूव करना स्टार्ट करेगी इन दिस डायरेक्शन, और जैसे जैसे आप मैग्नेटाइज करते रहेंगे देर विल बी सिमिलर डेटा, इसे जिस वजह से आप हर मैग्नेटिक मैग्नेटाइज स्पॉट्स को और डीमैग्नेटाइज स्पॉट्स को रीड कर सकते हैं। दिस इज द राइटिंग प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो दिस इज द वेरी इकोनॉमिकल ऑप्शन, यानी कि
कम अमाउंट ऑफ टाइम में, कम अमाउंट ऑफ कॉस्ट में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेटा को एक्सेस करना इज वेरी इजी, इट इज़ टाइम टेकिंग बट इट इज़ इजी। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मैग्नेटिक टेप्स के मुकाबले इसको कंपेयर करेंगे तो डेटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा ही आप पाएंगे, रैम के मुकाबले कम पाएंगे बट टेप्स के मुकाबले ज़्यादा पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे इस डिवाइस को तो इसके करप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इट इज़ अ रिलायबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। थोड़ी प्रॉब्लम्स पे भी बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज, दिस इज लेस एक्सपेंसिव देन रैम, बट अगर सेकेंडरी स्टोरेज से ही कंपेयर करें तो मैग्नेटिक टेप्स के मुकाबले इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, सिंस इट इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस तो आपको इसको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज डस्ट पार्टिकल की वजह से ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा या किसी भी तरह से डेटा के करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज लास्ट डिसएडवांटेज, सिंस इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस सो इसलिए सीक्वेंशियल एक्सेस इज नियरली इम्पॉसिबल, या फिर हम इस डिवाइस में सीक्वेंशियल एक्सेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ताकि हम डायरेक्ट एक्सेस के बेनिफिट्स को उभार सकें। Okay, that is it for today. Thank you so much. Thank you for watching.